तो बहुत सारे लोगों मुझे पूछते रहते हैं कि क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस सेफ है, क्या ये हमको करना चाहिए, इसकी लोकल बिजनेस के साथ कंपेयर करें तो ये कैसे सेफ रह सकता है, और अगर हम करें तो कैसे करना चाहिए, राइट दोस्तों? तो ये धीरे धीरे समझते हैं। अब सबसे पहले आप कोई भी बिजनेस करने से पहले जान लो कि इसमें एट मैक्स इसके नेगेटिव पासे भी क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है कि बायर डिफॉल्ट हो सकता है। आपने किसी को एक्सपोर्ट किया तो उसके पास फंड्स नहीं है राइट अब देने के लिए, तो डिफॉल्ट हो जाता है राइट पार्टी। मेजर केसेस में एडवांस नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर उसको एडवांस पेमेंट देना ही है तो वो ऐसे पार्टीज को देगा जो बहुत पुरानी रेप्यूटेड है इस फील्ड में। न्यू स्टार्टअप जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं एडवांस के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं राइट। तो वो क्रेडिट में सप्लाई करते हैं और स्थिति ये होती है कि वहां से पेमेंट ही नहीं आ पाता है। ये एक बहुत बड़ा वहां पर डिफॉल्ट रह जाता है पार्टी का। दूसरा बड़ा केस रहता है ट्रेड में, वो है नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस क्या है दोस्तों? कि मान लीजिए कि आप सिक्योर टर्म्स में कर रहे हो, बैंक से डील कर रहे हो, कि आपको इतना चिंता नहीं है कि बैंक बीच में रखा गया है, आपने डीपीडीए जैसा टर्म्स रखा है राइट, और आपने डॉक्यूमेंटेशंस आपकी बैंक को भेजे, फॉरवर्ड गए उनकी बैंक पे। अब वहां पर अगर पोर्ट में उनको गुड्स छोड़ाना है, रिलीज कराना है, तो डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, तो बायर उनके डॉक्यूमेंट छुड़ाने उनकी बैंक में जाएगा ही नहीं। ऐसा भी स्थिति होता है, क्योंकि हो सकता है कि उस प्रोडक्ट्स जो आपने भेजा हो उसके रेट वहां पर काफी कम हो गए हो, या फिर बायर जो है वो आपको एंड मोमेंट में बहुत ज्यादा डिस्काउंट मांग सकता है कि भाई आप डिस्काउंट दो तो मैं पोर्ट से छुड़ाने के लिए जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। आप डॉक्यूमेंटेशन है वो बैंक से मंगा के मुझे डायरेक्ट भेजो ताकि उसको पेमेंट आपको ना देना पड़े, आपको नुकसान हो जाए, या फिर वो ऐसा कह सकते हैं कि हम आपको मुझे स्विफ्ट भेजना पड़ेगा कि अब आपको इतना पेमेंट का या डिस्काउंट आप दे रहे हो बहुत ज्यादा 50-60%, तब जाके वो एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से नुकसान हो सकता है कि माल दे देने के बाद आपके बैंक से डॉक्यूमेंटेशंस भी चाहे चले जाए फिर भी बायर्स डॉक्यूमेंटेशंस लेने नहीं आते, तो ये एक तरीके से हो जाता है नॉन एक्सेप्टेंस राइट। और इसके कारण क्या होता है कि गुड्स को रिटर्न लेना पड़ता है, वो रिटर्न का भी खर्चा आ जाता है एक्सपोर्टर के ऊपर, जिन्होंने माल फॉरेन कंट्री में भेजा हुआ उसके ऊपर खर्चा रिटर्न का भी आ जाता है। इसमें माल बिगड़ने का भी एक है कि भाई पेरिशेबल है तो डैमेज हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा रिटर्न में राइट, ये भी एक स्थिति बन जाती है। फॉरेन पोर्ट के खर्चे जो होते हैं, मान लीजिए कि वहां पर उठाया नहीं गया, काफी टाइम से वहां पर गुड्स पड़ा रहता है, तो वहां पर जो डैमरेज लगना लग जाता है, जैसे कि रीफर कंटेनर होता है राइट, इसका लाखों का फ्राइट होता है राइट फॉरेन कंट्री में भेजने का, उसमें पर डे के ये लोग प्लगिंग चार्जेस वगैरह लेते हैं, वो करीबन 4-5,000 पर डे के हिसाब से लगते हैं। उसके उपरांत वहाँ का डैमरेज जो पोर्ट का चार्ज होता है वो कुछ दिन के बाद नॉर्मली आपकी प्रोडक्ट से भी ज़्यादा कॉस्ट का हो जाता है, तो ये सारे चार्जेस डैमरेज जहाँ भी की भी वो रिटर्न करने देते हैं, तो ज़्यादा वहाँ पर थोड़ा बहुत माल रैप गया, छूट नहीं पाया, रिलीज नहीं हो पाया, तो ये भी बहुत भयंकर नुकसान हो जाता है। शिपिंग लाइन वाले डिटेंशन चार्ज ले लेते हैं, क्योंकि कंटेनर उसको टाइम से नहीं मिला, तो डिटेंशन चार्ज भी डिपेंड्स ऑन द लाइन, नॉर्मली 14-15 days फ्री डिटेंशन देती है, लेकिन उसके बाद वो चार्जेस लगाना शुरू कर देती है, वो भी हैवी होता है। वेसल डूब जा सकता है, डीले पहुंच सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, माल चोरी भी हो सकता है, थेफ्टी, तो इंटरनेशनल बिजनेस में ये भयंकर प्रकार के रिस्क है राइट। तो शुरू करने से पहले 10 बार सोचे कि ये इतने रिस्क है। अभी नॉर्मली हम जो भी स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं उसको हम सजेस्ट करते हैं कि वो इंटरनेशनल ब्रोकर से अपना बिजनेस शुरू करें, एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर से, फिर धीरे धीरे अपने आप भी कर सकते हैं। अब ये ब्रोकर क्या है दोस्तों? तो ब्रोकर जो है ब्रोकर के साथ डील करनी चाहिए, चाहे मार्केट में आप अपने आप भी ढूंढे राइट, तो ऐसे ब्रोकर से डील आप कर सकते हैं जिसका एब्रॉड में खुद का एक सेटअप हो, यानी कि वो ब्रोकर इंडिया में है और उसका खुद का एक फॉरेन का कंपनी है,
उसका इंडियन बेस है उस ब्रोकर का, उस ब्रोकर को अच्छी खासी प्रोडक्ट नॉलेज है, कैसे परचेस करना, कैसे स्टफिंग करना, फॉर्मेलिटीज, ही नोज एवरीथिंग एंड अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी एनालिसिस एवरीथिंग। वो एक रेगुलर एक्सपोर्टर है उस प्रोडक्ट्स का, राइट? ऐसे ब्रोकर को पकड़िए जो रेगुलर एक्सपोर्टर है उस प्रोडक्ट्स का, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है उस प्रोडक्ट की, राइट? उसका स्ट्रॉन्ग ओवरसीज नेटवर्क है, उसका बायर है उसके पास फॉरेन कंट्री में, राइट? वो खुद लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशंस तैयार करें, अपनी कंपनी ब्रांड तैयार करें, और ऐसे ब्रोकर के पास जाएं जो लगातार ये चीज को जानते हैं, करते हैं, और उनसे अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट करा सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों, मेजोरिटी लोगों को ये प्रश्न शायद आएगा या आ सकता है कि जबकि ब्रोकर के पास सब कुछ है, राइट? उसको ये भी पता है कि सप्लाई कहाँ से लेनी है, खुद सप्लायर है, खुद का बायर है, खुद कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, तो वो हमारे जैसे न्यू लोगों को क्यों एंटरटेन करेंगे? जस्ट आप ही सोचिए, आप भी शायद छोटा मोटा बिजनेस करते होंगे, तो आप अपनी सीक्रेट दूसरे को बताओगे कि भाई चलो मैं ये धंधा कर रहा हूं, तू भी आ जा, राइट? ये मैं कैसे कर रहा हूं, देखो मैं आपको सिखाता हूं, राइट? तू भी कर, मेरे साथ कर। तो ये तो अल्टीमेटली अपने आप को ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो कोई एक्सपोर्टर जो खुद एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसका अच्छा खासा काम मोटा चल रहा है, वो किसी को एंट्री देगा क्यों, राइट? वो क्यों ऐसे स्टार्टअप को हेल्प करेगा जबकि वो खुद अपने काम में ही वो बिजी है। अब यही चीज आपको समझनी है कि ये ब्रोकर जो है, राइट, ये किस कैसे उसका इमर्ज हुआ, व्हाई इंटरनेशनल ब्रोकर सिस्टम हैज गॉट इमर्ज, राइट? ये स्थिति आपको समझने की मेनली पहले जरूर है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेफ ब्रोकर कौन सा है और अनसेफ ब्रोकरेज सिस्टम कौन सा होता है, ताकि आपको मार्केट में पता चले कि कैसे काम करना चाहिए शुरुआत में। अब देखिए यहां पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट अस हियर हैव सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। दोस्तों मान लीजिए कि यहां पर आप है, इट्स एन यू, और आप है एक्सपोर्टर, ठीक है? और यहां पर भी अल्टीमेटली यहां पर भी आप ही है जो है इंपोर्टर, ठीक है? अब यहां पर आप खुद एक्सपोर्टर हैं, यहां पर खुद इंपोर्टर है, मान लीजिए कि आपने फॉरेन में अपना कंपनी डाला, आपका एक सेटअप है, राइट? आप ओवरसीज में अपना भाई को बिठा सकते हो, रिलेटिव को है, फ्रेंड ग्रुप है, जिसके ऊपर आप अच्छा ट्रस्ट कर सकते हो, वो आपने अपना ओवरसीज का कंपनी डाला, तो यहां पर भी आप, फॉरेन में भी आप। अब यहां पर क्या होता है कि यू आर सप्लाइंग टू दी इंपोर्टर्स, ठीक है? तो आप इंपोर्टर्स को प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हो, राइट? सो हियर यू मेड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहां पर क्योंकि आपका भाई है जहां पर आपने सप्लाई किया, तो आप इससे बोलोगे कि आप मुझे एडवांस पेमेंट दे दो फिर मैं आपको सप्लाई करूंगा? नहीं, क्योंकि आपके भाई भी आपकी तरह स्टार्टअप है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि ठीक है भैया, आप प्रोडक्ट्स रखिए, आप अपने हिसाब से सेल करें, राइट? ये अब्रॉड में अपने हिसाब से सेल करेंगे, जैसे कि ये सेल कर सकते हैं वहां के फॉरेन कंट्री में, मॉल में, स्टोर में, दे कुड ऑल्सो प्रोवाइड इट टू द सप्लायर्स, राइट, टू द रिटेलर्स, एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स ही विल ही इज गोइंग टू डू दैट सॉर्ट ऑफ एफर्ट। और अल्टीमेटली वहां से क्या आएगा, वहां से आएगा एट द एंड ऑफ द डे द पेमेंट, राइट? तो यहां से आएगा इनको सप्लाई के बाद द पेमेंट। अभी ये सप्लाई हुआ और पेमेंट इनको मिला, इसमें साइकिल का समय लगेगा, राइट? जैसे कि आपने खुद ने सप्लाई दिया आपके ब्रदर को, वहां से पेमेंट रियलाइज करने में हो सकता है कि उसको माल सेल करने का टाइम भी दिया गया और उसने काम भी किया, तो लेट अस अज्यूम के 1 month लगता है, राइट? या फिर 15 days व्हाटसोएवर, लेट अस टेक हियर एन एग्जांपल ऑफ अ मंथ, कि सप्लाई किया,
अल्टीमेटली वहां पर मार्केटिंग किया, सेल किया, वहां पर पूरा रोकड़े में बिजनेस किया, राइट, कैश में बिजनेस किया, जगह जगह घूमे, अच्छा मार्केटिंग किया, राइट, अब्रॉड में, और वहां से कलेक्शन हुआ तो पेमेंट आपको दे पाया, ठीक है, और एक्सपोर्टर को पैसा मिला। अब ये स्थिति है। अब इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, कि ये जिसने अपना चेन बनाया है, खुद एक्सपोर्टर इंपोर्टर, इसको एक अब्रॉड में प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है, और यहां पर एक्सपोर्टर की लिमिटेशन आती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अब्रॉड में खर्चा किया हुआ है कंपनी का, इंडिया में भी खर्चा कंपनी का किया हुआ है, और प्रोडक्ट्स खुद भी भेज रहे हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इस स्थिति में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गया, राइट, और अल्टीमेटली अब ज्यादा सप्लाई की कैपेसिटी नहीं हो रही है, और पूरा साइकिल में 1 मंथ लग रहा है, राइट। तो इस स्थिति में क्या करें, क्योंकि यहां पर अभी इनके जो एब्रॉड में बायर्स है, जो एब्रॉड में बायर्स है वो इनको लगातार इंक्वायरीज करते रहते हैं कि भैया आप हमको ये प्रोडक्ट सप्लाई कीजिए, आप हमको, अगर आप हमको चिली दे रहे तो लेमन भी दीजिए, हमको और भी चिली दीजिए, भाई आपने ये स्टोर को दिया तो हमको माल क्यों नहीं दिया, राइट, आप हमको भी दीजिए। तो अल्टीमेटली यहां पर डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। जैसे कि एब्रॉड में सेटअप किया जाता है, और वहां पर जब आप अच्छा सर्विस देते हो तो बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, और यही स्थिति हो जाती है एक एब्रॉड सेटअप की, जो अच्छा चलता है उसको लोकल से काफी डिमांड ट्रिगर होती है। अब इस डिमांड को सेटिस्फाई करना इंपोर्टर का धर्म है, कि एटलीस्ट सबको जिसको चाहिए उसको मैं सेटिस्फाई कर सकूं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कोई शॉप में जाते हो ग्रोसरी परचेस करने, वो शॉप वाला आपको बोल देता है कि सर ये अवेलेबल नहीं है, या फिर वो शॉप वाला बोल देता है कि एक ही अवेलेबल है लेकिन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं उनको दे रहा हूं, तो अल्टीमेटली आपको दुख लगेगा कि भाई मुझे प्रोडक्ट्स नहीं मिला गया, हालांकि मैं पैसे देने के लिए रेडी था। अब स्थिति ये हो जाती है कि इंपोर्टर की डिमांड इतनी बढ़ जाती है, जो कैश से परचेस करने के लिए इंपोर्टर के पास आते हैं उस प्रोडक्ट्स को एक्वायर करने के लिए, राइट, या फिर रेप्यूटेड पार्टी को दिया जाता है एब्रॉड में जिसका अच्छा नाम है। अभी स्थिति यह है कि यहां पर इंपोर्टर को प्रोडक्ट्स चाहिए, सप्लाई चाहिए, लेकिन सप्लाई मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि इनका भैया के पास भी लिमिटेड कैपेसिटी है, यहां के फार्मर को एडवांस पैसा देना पड़ेगा, स्थिति ये बन जाती है। तो यहां पर देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्टर और दिस सिस्टम, यहां पर इनका ऑब्जेक्टिव रह जाता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको ऑब्जेक्टिव क्या चाहिए, तो कि स्टॉक, राइट। अभी इनका मेनली ऑब्जेक्टिव रह जाता है, क्या चाहिए उनको, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, दिस दे वांट। अभी इनके पास ऑप्शन क्या बनता है, ये इंपोर्टर उनको बोलता है कि भाई आप माल ज्यादा भेजो। अब एक्सपोर्टर के पास प्रॉब्लम है कि उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है, जितना कैपेसिटी था उतना उसने इस्तेमाल कर दिया, इससे कुछ सप्लाई भी दे रहे हैं लेकिन अब ज्यादा चाहिए। अभी ये एक्सपोर्टर जो है ये बैंक के पास जाएगा, अलग अलग लोग के पास जाएगा, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस रहेगा, राइट। तो इसके पास, एक्सपोर्टर के पास बेस्ट ऑप्शन क्या बनता है, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द एक्सपोर्टर, ये एक्सपोर्टर बन जाते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर, यानी कि ये एक्सपोर्टर ही है, ये बन जाते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर। अब ये इंटरनेशनल ब्रोकर बन के फायदा क्या है, कैसे इनका ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, तो इंटरनेशनल ब्रोकर बन के इनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल ये होता है कि वो दो तरीके की फैसिलिटी देते हैं स्टार्टअप एक्सपोर्टर के लिए। मान लीजिए कि हम स्टार्टअप है, हमको इतना पता नहीं, हम वी वांट टू एक्सपोर्ट, वी वांट द बायर लाइक सच, राइट। तो नॉर्मली ये दो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, कि एक तो ऑप्शन ये है कि आप एक खुद एक्सपोर्टर हो और आप इनको सप्लाई दे सकते हो, सो यू कुड बी हियर एन एक्सपोर्टर,
और या फिर ये एक ऑप्शन आपको ये भी देते हैं कि आप अगर पूरा कंटेनर नहीं भेज सकते एक ही साथ, ज्यादा सप्लाई अपने, क्योंकि खुद की कंपनी में पूरा कंटेनर नॉर्मली डिमांड हर कोई करेगा, और अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी आ जाता है कि यू कुड बिकम एन स्मॉल इन्वेस्टर, राइट? यू कुड बिकम एन इन्वेस्टर। अभी यहां पर ये एक्सपोर्टर जो बना हुआ है, राइट? ये एक्सपोर्टर किसको एक्सपोर्ट करेगा? तो ये फॉरेन में इंपोर्टर जो है डायरेक्टली उनको ही एक्सपोर्ट करेगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था स्टॉक की अवेबिलिटी। तो ये एक्सपोर्टर जो है ये इनको सप्लाई देगा, राइट? खुद की कंपनी से, राइट? खुद की एक्सपोर्टर की, मान लीजिए कि आपकी खुद की कंपनी है तो आपकी खुद की कंपनी उसको सप्लाई देगी। तो उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक था, राइट? ये यहां पर क्लियरली फुलफिल हुआ होता इनको दिख रहा है कि हाँ, ये अगर आप करोगे तो उनका स्टॉक का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो गया। अगर इन्वेस्टर होगा तो वो एक्सपोर्टर को पैसा देगा और एक्सपोर्टर वंस अगेन प्रोडक्ट्स परचेस करके इंपोर्टर को दे सकता है, जो तुरंत उनसे सेल हो सकती है। सो यहां पर इनका फॉरेन में स्टॉक का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, उसको सप्लाई यहां से मिले, क्योंकि आप भी देखोगे कि दुकान आप वहां से ज्यादा शॉपिंग करने जाते हो, स्टोर में, मॉल में, जहां पर स्टॉक की अवेबिलिटी ज्यादा हो, राइट? वही बिजनेस ज्यादा चल पाता है जिसके पास स्टॉक है, राइट? चाहे इंडिया में और अब्रॉड में, तो उससे पास के ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। कोई एक तो चीज दुकान में या होलसेलर करेगा तो उसका लिमिटेड क्वांटिटी में, तो उसका इतना ज्यादा नहीं चलेगा। सब लोग बोलेंगे कि भाई ये एकदम बेकार इंपोर्टर है, लोकल में सेल कर रहा है होलसेल में, जिसके पास कुछ स्टॉक ही नहीं होता, राइट? अब स्टॉक के लिए पैसा तो चाहिए अल्टीमेटली, तो स्टॉक जो है ये एक्सपोर्टर खरीद के फार्मर से उसकी कंपनी से सप्लाई करेगा। अब यहां पर मेन प्रश्न ये आता है कि ये एक्सपोर्टर और ये इंपोर्टर तो दोनों भाई भाई है। अब ये रेड वाला इतना पहचानता नहीं है कि ये लोग कितने जेन्युइन है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के ब्रदर नहीं है, लेकिन ये सिस्टम में गए हुए हैं। तो इसके लिए सेफ्टी क्या हो सकती है, कैसे ये सेफ रह सकते हैं? तो यहां पर दोस्तों ये मैं कहूंगा कि ये सिस्टम अगर आप अप्लाई करते हो कि आप किसी ब्रोकरिंग सिस्टम से जाते हो, तो फॉरगेट कि आप यहां पर किसी ब्रोकर से वर्क कर रहे हो एट फर्स्ट, राइट? आप पहले भूल जाइए, राइट? ये चीज को मैं कट आउट कर देता हूं, राइट? कि आप भूल जाइए कि आप अभी किसी ब्रोकर से वर्क कर रहे हो, राइट? लेट मी रिमूव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। राइट, ये मैं कट आउट कर दिया। नाउ जस्ट लेट अस अज्यूम कि आप एक्सपोर्टर एक डायरेक्ट ओवरसीज बायर के साथ काम कर रहे हो, तो आप सेफ्टी क्या क्या रखोगे? आप अपनी डील को कैसे सिक्योर बना पाओगे? तो इसमें आप नॉर्मली क्या करते हो, यू विल बी हैविंग दी ईसीडीसी, राइट? ये आप कर सकते हो। आप गवर्नमेंट से ईसीडीसी कवर ले सकते हो, एक्सपोर्ट गारंटी कॉरपोरेशन, राइट? आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हो, और ईसीजीसी कवर, क्योंकि यहां पर पार्टी अननोन है आपके लिए, तो ईसीजीसी वुड बी द मोस्ट हेल्पफुल टू यू टू प्रोवाइड द कवर, राइट? तो आप ईसीजीसी कवर ले सकते हैं। सेकेंडली, व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू डील एज पर द ईसीजीसी गाइडलाइंस। तो जैसे कि डीपी हो गया, डीए हो गया, एलसी हो गया, या फिर अगर डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट भी भेजने पड़े तो आप बैंक से अप्रूवल लेके ईसीडीसी का फॉर्मेलिटी कर सकते हैं, राइट? आप उसकी एब्रॉड की कंपनी का कैसा कामकाज चल रहा है उसके लिए आप बैंक से डीएनबी रिपोर्ट करा सकते हैं, राइट? आप बैंक से डीएनबी रिपोर्ट करा सकते हैं उसका, कि ये कितना कामकाज है, कितना ये लोग कर रहे हैं, राइट? स्थिति, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेलिटी कर सकते हैं, बीएल टू ऑर्डर रख सकते हैं, ये स्थिति आप कर सकते हैं। तो आपको अपने सेफ्टी पैरामीटर्स, राइट, अपने हिसाब से रखने, ऐसे जैसे कि आप सामने वाले पार्टी को, मान लीजिए कि आप कोई ऐसी पार्टी के साथ डील करना चाह रहे हो, राइट, डायरेक्टली, राइट? तो आप कैसे उसके साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस रखोगे, उसके साथ आप सेफ टर्म्स रखोगे ना, राइट? तो
तो ये तो होगा। अभी इसके उपरांत राइट, अगर आप ब्रोकर से डील करते हो तो इसके उपरांत आपको एडिशनली क्या मिलेगा ये देखने की बात है। अब मान लीजिए ब्रोकर, हम यहां पर सिस्टम वापस लाते कि आप ब्रोकर से ही कर रहे हो, तो इसमें आपका ईसीजीसी और डीएनबी रिपोर्ट तो है ही, क्रेडिट रिपोर्ट तो आपने कराया ही हुआ है, आपके पास गवर्नमेंट का सिक्योरिटी भी है। उसके उपरांत आपको लोकल में सिक्योरिटी मिलेगी, किससे? यू विल बी गेटिंग द सिक्योरिटी फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स, वो होता है लीगल अग्रीमेंट और प्लस आपका पीडीसी चेक होता है, पोस्ट डेटेड चेक। तो ये जो है ये आपको लीगल एग्रीमेंट और पीडीसी, ये जो चीज है राइट, ये आपको प्रोवाइड करेगा दी एक्सपोर्टर राइट, ये आपको एक्सपोर्टर के एंड से ये चीज आपको मिलेगा। ये एक बोनस है, दिस इज समथिंग द बोनस विच यू गेट इफ यू वर्क विद दी ब्रोकर्स राइट। ये एक प्रकार का बोनस है जो नॉर्मल बोनस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट डील करोगे तो आपके पास केवल ईसीजीसी है, आपके पास केवल बैंक का उसका क्रेडिट रिपोर्ट है, लेकिन यहां पर आपके पास बेनिफिट क्या है कि अगर ये भी डिफॉल्ट हो गया तो आपके पास एक लीगल एग्रीमेंट और पीडीसी है, और यहां पर आपके पास बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, ईसीडीसी का तो है ही राइट। तो जब आप लीगल रूल्स फॉलो करते हो, सारी फॉर्मेलिटीज करते हो, तो दिस मेक्स दिस सिस्टम दी मोस्ट सेफेस्ट राइट। ये सिस्टम जो है इसको आप मोस्ट सेफेस्ट कह सकते हो, इससे सेफेस्ट डील हो नहीं सकती है दुनिया में कहीं पे भी, कि जहां पर आपको इंडिया के पर्सन का भी सिक्योरिटी मिले, फॉरेन का भी सिक्योरिटी मिले, गवर्नमेंट का कवर भी मिले राइट। आप बैंक का भी एनालिसिस कराओ यार, अब तो पैसे नहीं आए तो फिर आपकी किस्मत ही फूटी हुई है, और ऐसा होगा नहीं कभी, क्योंकि आपके पास एट द एंड ऑफ द डे ईसीजीसी जरूर है राइट। अब इसका भी मैं सारा धीरे धीरे सॉल्यूशन आपको स्थिति समझाता हूं और देता हूं। तो आप अभी समझ पाए होंगे कि क्यों कोई एक्सपोर्टर राइट ब्रोकर बनता है जिसके पास सारा नॉलेज है, ताकि उसका फॉरेन कंट्री का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। इनफैक्ट हम ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे ब्रोकर बन सकते हो, आप कैसे अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को, और खुद का और दूसरों का भी कैसे हेल्प आउट करके उसमें से आप ब्रोकरेज अर्न करके उसका एक्सपोर्ट करा सकते हैं। क्रेडिट तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली ऑन द मंथली साइकिल और 45 डेज साइकिल बेसिस में नॉर्मली 5 to 7% या फिर एट मैक्स अराउंड 3 to 5% जितना हो सकता है प्रॉफिट, और बाकी का गवर्नमेंट इंसेंटिव होता है। तो नॉर्मली दिस इज द ओनली थिंग राइट यू कैन नॉर्मली गेट ऑन प्रॉफिट। इफ इट गोज बियॉन्ड 15% राइट ऑन अ सिंगल ट्रांजेक्शन डील, ये यकीनन इसमें कुछ ना कुछ आपसे गलत हो रहा है या धोखा हो रहा है। तो आप चेक करिए राइट, कि आपको मार्जिन इतना ज्यादा सिंगल डील में राइट कोई दे तो नहीं रहा, उसका आप चेक करिए, ज्यादा एनालिसिस करिए राइट, हमसे पूछिए मूव फॉरवर्ड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। मैं क्यों कह रहा हूं कि कोई आपको इतना ज्यादा मार्जिन नहीं दे सकता, उसका मेन रीजन ये है कि अगर उस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्सपोर्ट्स में मार्जिन कोई प्रोडक्ट्स में 15, 20 या 100, 200% नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन आप जो सोचिए कि जिस माह में इतना हाई मार्जिन है राइट, 15, 20, 50% तो वो खुद ही कर लेंगे, वो आपके पास आएंगे ही नहीं, या फिर आपको कभी ऑफर देंगे ही नहीं कि आप मुझे 1-2% ब्रोकरेज दो राइट और मैं आपका एक्सपोर्ट कराता हूं, ये कभी नहीं होगा, ये खुद कर लेंगे, लेकिन आपको ये डील कभी नहीं देंगे। तो आप सोचिए, नॉर्मली मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके लोग आते हैं कि सर हम ये रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं, इनके ब्रोकर चाहिए। अरे भाई, ब्रोकर्स वहां, ब्रोकर का सिस्टम आप समझो राइट, वहां पर फॉरेन कंट्री में ये यूं चाहिए, सब कुछ यूं सेल नहीं होता। अभी आप प्रोडक्ट इंडिया में भी सेल नहीं कर सकते हैं, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि फॉरेन कंट्री में आपके प्रोडक्ट्स यूं लोग ले लेंगे? इट इज नॉट लाइक दैट। हर एक कंट्री का पैरामीटर्स, कुछ कंट्री का लोअर ग्रेड है, वहां पर वो प्रोडक्ट नहीं चलती, तो वहां पर उसको अलग प्रकार की देनी पड़ती है। सर्टन कंट्रीज में द डिमांड फॉर अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट विद गुड पैकेजिंग,
राइट, यू ऑल्सो नीड टू मार्केट योर प्रोडक्ट एट लोकल लेवल. जैसे यहाँ पर बैनर्स होते हैं स्टोर्स में, वहां पर वो सब करके, राइट, तो वो भी लोकल मार्केटिंग इन अब्रॉड इज ऑल्सो नीडेड. तो इसमें ये सब चीज में एक्सपेंडिचर हाई लगता है, राइट. अ लॉन्ग टर्म थिंग, राइट, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, हमारे में नहीं बट इन योर सेल्फ. और हम ये भी आपको कहते हैं, बताते हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट वेरी बेसिक लेवल. अभी सेकेंडली आपको ये भी देखना है, ध्यान रखना है कि अगर जो ब्रोकर आपको कोई कहता है कि मैं आपको बायर देता हूं, मेरे पास डील है, लेकिन आप प्रोडक्ट्स मेरे से खरीदना, राइट, सोर्सिंग आप मेरे से खरीदना, ठीक है, लेकिन वो सोर्सिंग के प्राइस आप दूसरे से भी एनालाइज करिए, राइट, कि वो सोर्सिंग के प्राइस मार्केट रेट के हिसाब से बहुत ज्यादा है. अब कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो गया था कि प्रोडक्ट्स जो है वो 50 रुपए की मार्केट रेट में अवेलेबल थी, राइट, और ब्रोकर ने बोला कि भाई मेरे पास फॉरेन कंट्री के बायर्स हैं जो आपको ये प्रोडक्ट्स के 115 रुपए देंगे, लेकिन आप ये प्रोडक्ट्स मेरे से खरीदना, वो ब्रोकर ने बोला. और ब्रोकर ने उन बच्चों को प्रोडक्ट 100-100 रुपए में दिया, यानी कि 50 रुपए का प्रोडक्ट का भाव 100 रुपीज, और 100 रुपए बच्चों ने आराम से दे दिए कि वाह भाई बायर मिल रहा है, राइट, ये सेफ टर्म में काम करते हैं, नो डाउट सब लोगों ने सेफ टर्म से काम किया, राइट, उसमें 15% का प्रॉफिट था, यानी कि 115 का सप्लाई किया, राइट. फॉरेन कंट्री में गया तो पता चला कि इतना हाई रेट में तो कोई ले ही नहीं रहा है, राइट, और फॉरेन कंट्री में बैंक में से डॉक्यूमेंट्स बायर, ब्रोकर का बायर जो बताया गया था वो गुड्स को छोड़ाने ही नहीं आया, राइट, और बताने लगा कि आप डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, डिस्काउंट कर दो, ये कर दो. और स्थिति ये हो गई कि सरकार से पैसे लेने पड़े, थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने सबको हेल्प किया स्थिति में से. लेकिन आप जरा देखिए कि व्हेन द सोर्सिंग प्राइस इज टू हाई, आप देखिए व्हेन द सोर्सिंग प्राइस इज वेरी हाई देन मार्केट लेवल, राइट, तो उसमें गड़बड़ी है, राइट. और इतना हाई मार्जिन आपको कह रहा है भाई कि भाई 100 रुपए की प्रोडक्ट लो मेरे से, 150 में बेच दो, वहां से 150 का परचेस ऑर्डर आ जाता है, और अल्टीमेटली आपने यहां पर 100 रुपए का परचेस प्रोडक्ट कर दिया. अब यहां पर आराम से वो लोग डबल प्रॉफिट ब्रोकर कमा गया, राइट. तो ये सो एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल सोर्सिंग प्राइस एकदम गलत चीज है. मार्केट में आप देखो, ठीक है, कुछ कुछ पैसे एक आध रुपए ब्रोकर की भी, जेन्युइन ब्रोकर्स भी रखते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट व्हेन इट इज टू हाई सोर्सिंग प्राइस व्हेन यू कंपेयर इट विद द अदर्स, यकीनन इसमें दाल में कुछ काला आपको समझ के चलना चाहिए. ब्रोकर उसी में आपको अवेलेबल होते हैं जेन्युइन जिसकी हाई डिमांड हाई सेल्स है, राइट. क्योंकि अगर उसकी छोटी डिमांड है तो ब्रोकर खुद एक्सपोर्टर कर सकता है, उसको जरूरत नहीं है आपको हेल्प करने के लिए कि आओ मैं आपको हेल्प कर देता हूं आप एक्सपोर्ट कीजिए मेरे साथ, नहीं होगा. फॉरेन कंट्री में उसके सेटअप आज वहां पर उसको डिमांड है, प्रोडक्ट का हाई डिमांड है, जिसका हाई वॉल्यूम में सेल्स होता है, ब्रोकर उसका जेन्युइन मिलता है, राइट. ये जरा आप अपने हिसाब से दिमाग से सोचे कि सिस्टम क्या है, राइट. अगर आपका प्रोडक्ट कोई क्रिएटिव है, यूनिक है, तो इसमें हम नॉर्मली आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना डायरेक्ट फॉरेन कंट्री में सेटअप करने से पहले आप वहां पर जिन जिन लोगों का, हमारा बच्चों का सेटअप है, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स कुछ क्वांटिटी में 500 किलो 1000 किलो आप लेके जाएं, वेयरहाउस में रखें फॉरेन कंट्री में, और वहां पर आप खुद मार्केटिंग करने जाएं. वी डू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, वहां पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएई में है, श्रीलंका में है, सेवरल पीपल ऑल्सो इन यूरोप, बहुत जगह हमारे स्टूडेंट हैं, राइट, हमसे कनेक्टेड हैं, तो आप उनकी कंपनी में
उसमें उनका बेसिक चार्ज आप देके अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर कस्टम क्लियरेंस करा के उनके डॉक्यूमेंट से आप उनके वेयरहाउस पे रखाइए या गवर्नमेंट वेयरहाउस पे रखाइए, और खुद आप अपना प्रोडक्ट्स को बेचने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका हार्डवेयर प्रोडक्ट है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है, राइट, देयर आर ऑल्सो सिरामिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स, राइट, ब्रास रिलेटेड प्रोडक्ट्स, आपके जो क्रिएटिव आपने जो किया है उसमें ये तरीके से आप करिए, क्योंकि वहां पर भी आपको मार्केटिंग के लिए जाना पड़ेगा व्हेन जिस प्रोडक्ट का हाई डिमांड और हाई सेल्स नहीं होता है। ये चीजों को आप समझे, राइट। बाकी आपके पास ऑप्शन तो है ही, आप मेल तो डालते ही रहते हो, राइट, डालते ही रहते हो, और इसमें मेजोरिटी केस में B2B में स्टार्टअप्स का कोई स्कोप नहीं है कि जेन्युइन पार्टी आपको मेल से मिलेगी फॉरेन में और आपसे माल लेगी, ऐसा रेयरेस्ट केस में होगा। वरना आज इंटरनेट ने के ये B2B जगत में ऑलमोस्ट लोग फ्रॉड घुस चुके हैं, जो स्टार्टअप को तुरंत ट्रैप करते हैं, हाँ 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 हमको दीजिए प्रोडक्ट्स दीजिए, राइट, और स्टार्टअप्स को पता नहीं चलता, अनसेफ टर्म्स में काम कर लेते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, राइट, फिर लोग हमारे से आते हैं। सो पहले से बेटर कनेक्टेड विद अस एंड स्टार्ट योर डील स्टेप बाय स्टेप इन अ वेरी स्मूथ वे। फर्स्ट ट्राई टू लर्न द प्रोसेस, राइट, एंड देन यू स्टिक टू योर कन्फाइंड प्रोडक्ट्स वंस यू लर्न द थिंग्स राइट एट फर्स्ट। यहां पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप एज ए एक्सपोर्टर कोई आप अच्छे भी शायद ब्रोकर से मिलते होंगे, मिलते हो, तो कभी कभी ECGC फॉरेन पार्टी का मिल नहीं पाता है, और ECGC बता देती है कि ये पार्टी ब्लैकलिस्टेड है, इसमें आपको ECGC कवर नहीं मिल सकता। हाँ, ECGC ब्लैकलिस्टेड पार्टी करती है तो ऑब्वियसली उनके साथ आप डील नहीं कर सकते हो, या ECGC कवर नहीं देती उसके साथ आप डील नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्लैकलिस्ट में से पार्टीज को ग्रीन लिस्ट किया जा सकता है, राइट। अभी ये नॉर्मली क्या कुछ सिनारियो होता है मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूं कि हर केस में ऐसा नहीं होता कि अगर आप ECGC कवर लेने जाते हो पार्टी को ब्लैकलिस्टेड बताया जाए तो वो फ्रॉड ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में। मेजोरिटी केस में ऐसा होता है लेकिन हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है। ब्लैकलिस्ट में से ग्रीन लिस्ट में कराया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अभी यहां पर जो कमीशन बेस्ड डील होती है, राइट, कमीशन बेस्ड डील के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, देखना। नॉर्मली आपको पहले 1 to 20 सेशन के कोर्स का प्लेलिस्ट भी आपको देख लेना चाहिए, और कमीशन बेस्ड डील के फिक्स और कमीशन के बारे में आप जानते होंगे कि जिसमें डील इस तरीके से होता है कि जिसमें सामने वाली पार्टी जो रेट में सेल कर पाएगी, जो मार्केट रेट होगा उस हिसाब से वो अमाउंट देगी। लेकिन इसमें नॉर्मली कभी कभी काफी टाइम ऐसा होता है कि एक्सपोर्टर बिल बनाता है DA में। अभी DA मतलब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का रूल्स के अंतर्गत वो फिक्स भाव में डील हो गया। अभी इसमें क्या है कि पार्टी मान लीजिए कि 5 लाख का बिल बना लेकिन सेल सब मिला के और उसका कमीशन काट के 4 लाख ही बच रहा है, तो यहां पर 4 लाख ही डाला गया। अब यहां पर क्योंकि एक्सपोर्टर नुकसान को बैर नहीं कर सकता तो वो ECGC के डोर्स को नॉक करेगा कि भाई मैंने DA में डील किया, मुझे कम पैसा मिला, राइट, और डील DA का रूल्स के हिसाब से पार्टी को फुल पेमेंट देना होता है। इस केस में ECGC वो फॉरेन पार्टी को ब्लैकलिस्ट कर देती है। ECGC भी की कोई गलती नहीं है, ECGC इज डूइंग देयर बेस्ट एफर्ट्स टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट द एक्सपोर्टर्स, लेकिन ये एक्सपोर्टर का भी एक फर्ज बनता है कि ये स्थिति एक बताएं। तो उसमें राइट चीज ये होता है कि मान लीजिए कि अगर ECGC एक्सपोर्टर को क्लेम एनालिसिस के बाद करे ना करे बाद में डिसाइड करे, लेकिन पार्टी को नॉर्मल कोर्स में उसको ब्लैकलिस्ट कर देती है या फिर उसके सामने नेक्स्ट किसी को ECGC कवर नहीं मिलता। क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है कि वो फॉरेन पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन कर देती है DA में, बैंक से डॉक्यूमेंट उठा लेती है, और बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करने के बाद राइट कोई भी फॉरेन पार्टी इतना ज्यादा क्वालिटी का इश्यू या कंप्लेन इतना नहीं कर सकती, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है कि अब डील इस तरीके का है
कि आप फॉरेन से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो तो आप ये 20 दिन के बाद पैसे दोगे ही दोगे, इसमें और क्वालिटी का जिक्र नहीं होता। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और कंक्रीट और स्ट्रेंथन पॉइंट है एक्सपोर्टर के लिए, राइट? और काफी केसेस में ऐसा होता है यूएसए में। एंड द प्रॉब्लम वॉज दैट कि यहाँ से एक्सपोर्टर ने गोवर गम का सप्लाई किया और प्रॉब्लम ये हो गया कि ही हैज साइंड द बिल ऑफ एक्सचेंज, हिज बायर साइंड द बिल ऑफ एक्सचेंज, और वहां पर उसके कस्टम से ही क्लियरेंस नहीं मिल पाया रिगार्डिंग टू द पैरामीटर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो गया एंड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो गए, लेकिन प्रोडक्ट्स क्लियरेंस में, राइट, देयर वाज अ मेजर इश्यू, राइट? ऑन द सेल्स आल्सो, ऑन द पार्ट आल्सो, इट वाज अ मेजर इश्यूज। सो ही हैज एक्सपोर्टर हैज नॉक द डोर ऑफ द ईसीडीसी एंड ईसीडीसी हैज ब्लैकलिस्टेड द पार्टी एंड द ब्रोकर्स क्रेडिबिलिटी वाज ऑन द स्टैक। सो फिर बहुत ही मेहनत से, राइट, ये उसको ग्रीन लिस्ट में कराया जा सकता है। और ये ग्रीन लिस्ट में कराने के लिए, हालांकि ये ग्रीन लिस्ट हो या ना हो, ये इट डिपेंड्स ऑन द ईसीडीसी। अब इसके लिए करना ये पड़ेगा, अगर आपका फॉरेन में कोई कंपनी है, राइट, अगर आपका फॉरेन में सेटअप है जिसका ईसीडीसी नहीं मिल पा रहा है, तो इस केस में आप डीएनबी रिपोर्ट जो है, राइट, वो फॉरेन कंट्री पार्टी का करा सकते हैं। इस केस में आप ये उनको बता दें कि वो वहां पर प्रेजेंट रहे। काफी बार ये होता है कि डीएनबी वाले जाते हैं, उसको कॉल लगता है, नहीं लगा उठा पाते हैं, उसको अच्छा सा समझा नहीं पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वहां उनके रिटर्न वगैरह, टर्नओवर, ट्रांजेक्शन, टीटी, पीओ कॉपीज नहीं दे पाते, तो डीएनबी रिपोर्ट खराब आता है। बेटर ये होगा कि खास करके जो एब्रॉड कंपनीज है, राइट, जो ब्रोकर ब्रोकरेज सिस्टम में वर्कआउट ज्यादा करती है या करना चाहती है, जो चाहती है कि उनको बहुत सारे एक्सपोर्टर्स लोग क्रेडिट में माल दे, तो उसको डंस नंबर भी ले लेना चाहिए। अगर वो होगा तो उसका डीएनबी रिपोर्ट, राइट, एटलीस्ट, राइट, एटलीस्ट दे उसके ऊपर से ईसीजीसी कवर मिलने का एक चांस अच्छा बन जाता है। क्योंकि आई हैव सीन, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ कि ईसीजीसी काफी सारे केसेस में ऐसा नहीं है कि पुरानी पार्टी के सामने ही मिलता है, दे ऑल्सो प्रोवाइड द ईसीडीसी विद द न्यू पार्टीज जो शायद इनिशियल स्टेज पे हो, जो इंडिया से प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हो, लेकिन वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। ईसीडीसी पूरा कोशिश करता है कि स्टार्टअप्स को, राइट, एक कवर मिल सके और वो सेफ वे में एक्सपोर्ट कर सके, राइट? यहां पर दोस्तों हम देखते हैं कि अगर आप लोकल बिजनेस करते हैं, व्हेन यू डू द लोकल बिजनेस, तो आपका रिस्क क्या है? नॉर्मली लोकल बिजनेस में मान लो कि भाई फ्रॉड कम होते हैं तो भी, राइट, द लॉस वुड बी इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, और ऐसा नहीं है, लोकल में भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते ही रहते हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें भी डिफॉल्ट होता है। लोकल बिजनेस में आप कहीं सप्लाई करते हो, वो कुछ दे नहीं पाता है, देयर इज अ डिफॉल्ट। नॉन एक्सेप्टेंस यहां पर भी होता है लोकल में, रिटर्न गुड्स लेना पड़ता है, डैमेज स्पॉइल हो जाता है। यहां पर दोस्तों काफी लोग मुझे ऐसे भी हैं जिन्होंने हमसे पहले जुड़े थे, राइट, फिर ट्रिगर नहीं हुआ तो दे हैव स्टार्टेड एन आइसक्रीम शॉप, दे हैव स्टार्टेड अ होटल, दे हैव स्टार्टेड सम इंडस्ट्री, लेकिन एक आध साल बाद वो नहीं चला, राइट? उनको ये लगा था कि आइसक्रीम शॉप डाल देंगे, आइसक्रीम तो लोग पैसे एडवांस दे के ही खरीदेगा तो नुकसान नहीं है, लेकिन जब एक साल के बाद कैलकुलेट किया तो सब लॉस में गया, क्योंकि एक साल तक का भाड़ा, राइट, वो लॉस, आइसक्रीम की आपने मशीनरी डाली थी वो लॉस, आपके इन्वेंटरी जो लाए थे लोकल बिजनेस में वो आप बेच नहीं पाए, वो भी एक प्रकार का लॉस ही है। तो आपके साथ भले फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन ये तो क्या है कि आपके साथ लॉस हो गया, कहीं जा भी नहीं सकते। और लोकल में मान लीजिए आपने किसी को प्रोडक्ट सप्लाई किया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन उतने खास नहीं होते, सिर्फ आप एट मैक्स पीडीसी चेक और लीगल एग्रीमेंट आप ज्यादा से ज्यादा लोकल बिजनेस में सेफ्टी पैरामीटर्स के लिए रख सकते हो, राइट? और इसमें मान लीजिए कि पीडीसी चेक बाउंस हो गया है, राइट, और ये लीगल एग्रीमेंट से आप कोर्ट में जाओगे तो ये टाइम लगेगा पूरा प्रोसेस में। और इसमें भी, राइट, कोर्ट में प्रोसेस जाएगी आपका 5 साल, मे बी 10 साल, राइट, लगेगा। इस स्थिति में अगर उसके पास पैसा है तो रिकवर हो पाएगा, पैसा नहीं है तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है।
और उसको कुछ साल जेल की सजा हो सकती है, फिर आप उसे पेमेंट रिकवरी नहीं कर सकते, राइट? तो और नॉर्मली लोकल बिजनेस में आपके पास ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जैसा ECGC आपके पास एक्सपोर्टर के पास है। आपने अभी देखा होगा, मैंने रिसेंटली ट्वीट किया, द पीपल हैव लॉस्ट द लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज एंड दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। सो ECGC एक्सपोर्टर के लिए भगवान साबित हुआ है, और टू बी ऑनेस्ट, राइट, इट्स ओनली फॉर एक्सपोर्टर्स। सो मैं आज इंपोर्ट बिजनेस की भी बात नहीं कर रहा हूं, आज एक्सपोर्ट बिजनेस आज सेफ है, आज स्टार्टअप जो कर सकते हैं अपना काम, राइट, जो कर रहे हैं, इट इज द हेल्प ऑफ द ECGC, राइट। आज ECGC के भरोसे लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ECGC के दम पे, राइट, आज लोग आगे काम कर रहे हैं। और अगर आप इसमें थ्रू फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो तो, राइट, आपको ECGC क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। आपको ECGC के बारे में गूगल करना चाहिए, आपको ECGC के नियरेस्ट सेंटर में आपको जाना चाहिए, राइट। आई रियली अप्रिशिएट द ECGC, क्योंकि हमारे बच्चों को, राइट, मैंने रिसेंटली भी ट्वीट डाला हुआ है, क्लेम मिला हुआ है और पहले भी क्लेम्स हमको मिलते रहे हैं, राइट। सो ECGC इज द ओनली, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफी बॉडीज दूसरे भी है जहां से हम इंश्योरेंस लेते हैं, मरीन का है, राइट, देर इज ऑल्सो द इंश्योरेंस रिलेटेड टू द पिल्फरेज, देर इज ऑल्सो द इंश्योरेंस ऑफ द वेयर हाउस टू वेयर हाउस, राइट, देर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्टन कैपिटल एजेंसीज। लेकिन जितना स्टार्टअप को सपोर्ट ECGC का है, राइट, सब लोग कहते हैं भाई पैसा ECGC से आएगा जरूर, पैसा ECGC से आएगा जरूर, और फॉर्मेलिटी आपकी पूरी होगी, राइट, द ECGC वुड बी रियली हेल्पिंग यू अ लॉट, राइट, ऑन दी सर्टन केसेस ऑन अवर चैनल अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो, राइट, टूवर्ड्स द ECGC, वी रियली रियली से सॉरी फॉर इट, राइट। लेकिन हमने हमेशा चाहा है कि ECGC, राइट, को की हेल्प से, राइट, लोग आगे एक्सपोर्ट करें, और हम ये पहले से बताते रहे हैं, पहले भी के भी काफी सारे केसेस हैं, राइट, और लोगों के ने अच्छे खासे क्लेम लिए हुए हैं। सो आई थैंक यू वंस अगेन, राइट, टू दी ECGC फॉर प्रोवाइडिंग दी सपोर्ट टू दी एक्सपोर्टर, राइट, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सो दिस मेक्स दी एक्सपोर्ट बिजनेस मोस्ट सिक्योर्ड फॉर एनी स्टार्टअप्स हु वांट टू इन्वेस्ट एंड स्टार्ट देयर एक्सपोर्ट बिजनेस। फाइन, दिस क्वेश्चन बाय, एंड थैंक यू वेरी मच।